Yes, you have to write the answer in points, not in paragraph. You have to write the answers in points. So let me share my screen with you. Hold for a second. I'm starting with the first chapter, that is distributional map. This is the notes provided to you by us. So let us discuss the question answers. Let us start with the first one, that is statement of right or wrong. Just a second. Okay. See, this is a question, a textual question. Can you see the textual question? Question number two. In choropleth maps, only one value is assigned to the sub-administrative unit. Now, यहाँ पर उन्होंने ये question is this statement right or wrong? ये पूछा हुआ है. तो आपको पहला right लिखना हुआ है. उसके बाद में आपको उसका reasoning करना है. ठीक है? So, question is in choropleth maps, only one value is assigned to the sub-administrative unit. Is this right or wrong? It is right. Okay? Now, why it is right? There is a reason. In choropleth maps, the data regarding various geographical variables is shown by shading or using tints. Okay? तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को और हर एक स्टेट को हम लोग टेंटिंग करते हैं या शेडिंग करते हैं. हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम कोरोप्लेट मैप. कोरोप्लेट मैप इज शोन ऑलवेज विद अ कलर, एक कलर का डिफरेंट शेड्स. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक तालुका को हम लोग एक शेड देते हैं. तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन. कैन यू टेल मी कौन से मैप में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिडर नहीं करते हैं? यू कैन रिप्लाई मी थ्रू चैट. Now I just want to discuss about the chapter और कुछ फालतू discussion नहीं होना चाहिए. Yeah, yes, in isoplate map we don't take sub-administrative unit. हाँ, correct. We only take sub-administrative unit in choropleth map as well as dot method. Yes, you need to write the reasons. Sunday के exam में आपको right or wrong तो लिखना ही है, but साथ में reasons भी लिखना है. मिनिमम तीन पॉइंट लिखना है, मिनिमम तीन पॉइंट, बिकॉज दैट क्वेश्चन विल बी फॉर टू मार्क्स. सो यू हैव टू राइट मिनिमम थ्री पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पे चार पॉइंट्स दिए हैं, आपको पूरे चार पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, बट मिनिमम तीन पॉइंट लिखना हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन कोरोप्लेट मैप, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कोरोप्लेट मैप कलर्स टिंट्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री. ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? सारांश राठौर, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर, नथिंग एल्स. इफ यू डिस्कस अबाउट एनीथिंग एल्स, यू विल बी आउट ऑफ द लेक्चर. सिंपल एज दैट. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जाम, यू कैन आस्क टू योर रिस्पेक्टेड स्टाफ अबाउट द एग्जाम. नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर. थैंक यू. Okay. Okay. Now there is a doubt asked by Zoya Ansari. What is sub-administrative unit? Can anyone explain me what is sub-administrative unit? मैंने ये last time भी explain किया था. कोई मुझे explain करेगा, कोई मुझे बताएगा what is sub-administrative unit? You can reply me through chat. Yes, talukas is an example of sub-administrative unit. अभी अगर मैंने एक India country लिया. इंडिया के अंदर स्टेट्स है, कितना स्टेट्स है इंडिया के अंदर? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 29. ओके, टू बी प्रिसाइज इट इज 28 नाउ. 28 स्टेट्स
आर द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया, समझा? 28 स्टेट्स आर द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ इंडिया, और स्टेट के अंदर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या आता है? तालुकास। तो तालुका इज अ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इज द सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ स्टेट, एंड स्टेट इज अ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ कंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। आई होप इट इज क्लियर। ग्रेट, ओके। So in choropleth maps, colors tints do not change according to the value of the variables. It is wrong. It changes. The colors and the tints in the map changes according to the value. हमने पढ़ा था, higher the value, darker the shade, lower the value, lighter the shade. मतलब जितना वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना शेड डार्क रहेगा, और जितना वैल्यू कम रहेगा उतना शेड लाइट रहेगा। ठीक है, मैंने अभी बोला जय चौहान, द डाउट्स विल बी ओनली रिगार्डिंग द चैप्टर, और कुछ डाउट्स नहीं पूछना, वो सब डाउट्स मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ चैप्टर से डाउट्स जो है वो पूछना। ओके, so this was the third statement. Next one is, fourth one is, choropleth maps are used to show altitudes. Choropleth maps are shown to use altitude. Is it right or wrong? The answer is wrong. You can see the statement over there. Choropleth maps are used to show altitude. That is wrong. Which type of method is used to show altitude then? कौन सा method use करते altitude बना दिखाने के लिए? Altitudes and latitudes. Isoplate method. Correct. We use isoplate maps and not choropleth maps to show altitudes. ठीक है? Next is, isoplate maps are used to show population distribution. ये भी रॉन्ग है। कौन सा मैप्स यूज करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने दिखाने के लिए? विच टाइप ऑफ मेथड इज यूज टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज डॉट मेथड। इट्स गिवन इन द आंसर। डॉट मेथड मैप्स आर, और कोरोप्लेट मेथड मैप्स आर यूज टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट आइसोप्लेट मेथड। ओके, सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ right or wrong statements that you have to mention, and without reasons you cannot mention it. Now if you come to geography, and we also have one more chapter that is called as economics. Now if you talk about economics, acha, economics mein introduction to economics hai. I request you to write the answers which is there in the notes. It is not different from your school answers. Okay, so you can write the notes, the answers from the notes itself. Okay, for now. Acha, who is called as father of economics? I'll ask some questions, you need to answer me fast. Who is known as father of economics? Yes. If you talk about Adam Smith, his definition was dash oriented. Which oriented? His definition was dash oriented. Absolutely correct. Wealth of wealth oriented. What was the name of his book? Adam Smith's book. Wealth of Nation. Correct. Wealth of Nation. In which year it was published? In which year it was published? 1776. Correct. Okay. Can anyone tell me what is globalization? This is a answer in one or two sentence. What is globalization? Globalization means free movement of goods. Yes, free movements of goods where one country is aligned to the world. It is called as globalization. Yes, aligned country. Correct. Globalization is... Yes, the answers are correct. I'm happy to hear this.
Okay. Yes, globalization is also called as borderless economy. Absolutely correct. Okay. Next question is, India practices which type of economy? Great. What is mixed economy? Yes, the answers are correct. What is my next question is, what is mixed economy? Coexistence of what? Mixed economy means coexistence of government and private. Absolutely correct. Mixed economy means coexistence of private and government. Great. What is capitalist economy? My next question, what is capitalist economy? Capitalist economy where? Yes, it is a, the ownership and management is under private or individual or private firms. Correct. Their main aim is to earn profit. Absolutely correct. Great. Okay. China comes under which economy? China comes under which economy? Socialistic economy. Correct. Your socialist economy. Absolutely correct. Absolutely correct. Great. Okay. Economics is derived from which Greek word? Economics is derived from which Greek word? Great. The answer is oikonomia. Economics is derived from oikonomia. Okay. If we talk about factors affecting economy, which were the factors affecting economy? Factors affecting economy. First one was occupation. Correct. Population. Correct. Natural resources. Correct. And there was one more. Political sovereignty. Kisne bhi answer nahi kiya. Haan, kisne to kiya hai. Political sovereignty, not public sovereignty. Political sovereignty. To char hai apna. Population, occupation, natural resources and political sovereignty. Yes. Absolutely correct. Okay. Abhi hai na, main aapko क्वेश्चन पूछूंगा और मुझको आपको बताना है कि कौन सा टाइप का मेथड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1. आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. यू हैव टू टेल मी कौन सा मेथड इसमें यूज करेंगे. व्हिच टाइप ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. पता चलेगा कितना मालूम है. फर्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. कौन सा मेथड यूज करोगे? Temperature of a particular area. Yes, the answer is isoplate method, not coroplate. Coroplate wrong hai. Isoplate aega. Temperature isoplate. Theek hai. Density of population. Isme kaun sa method use karoge? Density of population. Dot nahi. Coroplate method. You cannot use dot method for density of population. Coroplate method. Please write it down. Coroplate method is used for density of population. Yes. Next is counting of animals. Kaun sa method use karoge? Counting of animals. Correct. Dot method. Jahan pe bhi counting aayega, wahan pe dot method use karenge. Yes. Okay, next question is rainfall of a particular area. Isoplate. Yes. Okay. My next question. Which are the three criteria taken into consideration while making a dot method? Which are the three criterias?
Yes, one is size of the dot, second one is physiography. Yes. The size of the dot should be uniform. Physiography and other resources should be taken into consideration. For a rural area, we'll mark a dot, and for a urban area, we'll make a circle. I asked what are the three criteria taken into consideration while making a dot method. सबसे पहला है साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म. साइज ऑफ द डॉट शुड बी यूनिफॉर्म. दूसरा था फिजियोग्राफी एंड अदर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर रिसोर्सेज शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एंड द लास्ट वाज व्हेन यू मेक अ फॉर अ रूरल एरिया यू विल मेक अ डॉट एंड फॉर एन अर्बन एरिया यू विल मेक अ सर्कल. ये सब चीज क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स विल बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स एंड यू कैन नॉट लूज मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स मैं कहीं से भी पूछूंगा, सो यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक थरली, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8. यस ओके. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल गो टू द मैप रीडिंग पार्ट, सो होल्ड फॉर अ सेकेंड, क्योंकि मैप रीडिंग भी आने वाला एग्जाम में तो कैसे आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं उसका. ओके, कैन यू सी दिस डॉट मैप ऑफ कोल्हापुर, इज इट विजिबल टू यू? Now is it visible to you, everyone? Yes. Now this is a dot map of Kolhapur district. नीचे questions पूछे हुए हैं, ऐसे ही same आएगा exam में. You'll be asked a map, और वो map को देख के आपको answer करना है. जैसे कि यहाँ पर पहला question दिया है, देखो, which method has been used to show the distribution of population in the district? ऑब्वियसली इट इज इजी, वी नो इट इज डॉट मेथड, यहाँ पे ही दिख रहा है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम डेंस टू स्पार्स. डेंस टू स्पार्स का मतलब क्या है, ज्यादा से कम. ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो. तो इधर आपको दिख रहा है ईस्ट में आपको डेंस, ईस्ट में आपको ज्यादा डॉट्स दिख रहे हैं और वेस्ट में आपको कम दिख रहे हैं, राइट? सो द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डेंस टू स्पार्स इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Yes, the answer, correct answer is east-west. You have to write the full sentence in this, huh? Map reading में आप सिर्फ आंसर नहीं लिखोगे, you have to write the full sentence. If you just write the answer, you'll get only half mark. Write the full sentence. Yes. Next is, what is the population shown by the largest circle and which place is that? द पॉपुलेशन शोन बाय लार्जेस्ट सर्कल, ये लार्जेस्ट सर्कल का पॉपुलेशन आपको मैप में किधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है मैप में? हाँ, द आंसर इज कोल्हापुर एंड 20 लाख है, बट वो 20 लाख किधर दिखा आपको, इंडेक्स में. इट इज शोन इन द इंडेक्स इन राइट हैंड साइड. यस, द आंसर इज 20 लाख एंड द सिटी इज कोल्हापुर, एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन इज विच तालुका has the least population? Which taluka has the least population? The answer is Gagan Bawda. It's given over there. Gagan Bawda comes in the northwest direction in Kolhapur district, if you see the map. Take it. Why Gagan Bawda? Do you know that? Why the population is less over there? Why Gagan Bawda has less population? Can anyone tell me that? You know it is Gagan Bawda. Yes, it is a hilly area.
It's a mountainous area, absolutely correct. And people don't stay in mountainous areas. Correct. So this was an example of map reading. This kind of question can be asked in exams. It will be there. So you need to do all the maps of the first chapter. Jitne bhi maps hai first chapter ke sab maps aapko karne. Theek hai? Okay. Now, I have discussed the paper pattern with you. I have discussed some important topics with you. Now, you have any doubts other than this, you can ask me. If you have studied from school notes, no problem. But just compare it with your notes. Zyada difference nahi rahega. No, right or wrong will only come from first chapter, not from the economics chapter. The exam timing will be provided you by your branch by tomorrow. Okay.